नमस्कार, मैं इंदिरा सारस्वत सह आचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज के व्याख्यान का हमारा टॉपिक है लहरों के राजंस, नाटककार मोहन राकेश। तो लहरों के राजंस के प्रथम अंक को हम पढ़ेंगे। प्रथम अंक की जो संपूर्णतः जो आलोचनात्मक बिंदु है उनकी हम समीक्षा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लहरों का राजंस मोहन राकेश द्वारा रचित ऐतिहासिक नाटक है जो बौद्ध काल की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। संस्कृत के प्रसिद्ध कवि अश्वघोष द्वारा रचित महाकाव्य सुंदरानंद जो इस नाटक की कथा का आधार रहा है। नंद महात्मा बुद्ध का सौतेला भाई है और नंद की पत्नी है सुंदरी। तो नाटक का जो पहला अंक है तो पहले अंक की शुरुआत नंद की पत्नी, जो पत्नी का नाम है सुंदरी, तो सुंदरी के कक्ष से नाटक के पहले अंक की शुरुआत होती है। दो कर्मचारी हैं, एक श्वेतांग दूसरा श्यामांग, जो सुंदरी के द्वारा जो कामोत्सव का आयोजन तय किया गया है तो उस कामोत्सव के आयोजन की साज सज्जा की तैयारी में लगे हुए ये दोनों कर्मचारी हैं। कौन? एक श्वेतांग और दूसरा श्यामांग। सुंदरी के आग्रह पर कामोत्सव का आयोजन होने वाला है, अतिथियों की प्रतीक्षा है और एक अतिथि है मैत्रेय, जो नंद के मित्र है। वह मैत्रेय जो मित्र है वो पधारते हैं और जब कामोत्सव में सम्मिलित होने के लिए केवल नंद का मित्र मैत्रेय के अलावा और कोई भी नहीं आता है तो जो नंद की पत्नी सुंदरी है वह अपमान में विक्षुब्ध हो उठती है। इसी अत्यंत तीव्र और गहन कथा स्थिति में यह पहला अंक समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पात्रों योजना में पात्रों का हम परिचय जानना चाहेंगे कि इस पहले अंक में कौन कौन से पात्र हमें या मिलते हैं उनका परिचय। दो कर्मचारी है, एक श्वेतांग दूसरा श्यामांग। श्यामांग जो पात्र है वह थोड़ा चिंतनशील व्यक्ति है और अंतर्द्वंद ग्रसित है और ये जो कामोत्सव का आयोजन होने जा रहा है और उसको जो काम सौंपा गया है साज सज्जा इत्यादि का, लेकिन कि उसे ये सब अच्छा नहीं लगता है कि कल महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा दीक्षा ग्रहण करेगी और उसके पूर्व संध्या पर आज नंद की पत्नी सुंदरी के द्वारा नगर में कामोत्सव मनाया जा रहा है तो ये अच्छा नहीं है, अनुचित है। इस कारण उसका मन खिन्न है और खिन्न स्थिति में वह बेचारा, क्योंकि वह एक सरकारी कर्मचारी है और उसे जो ड्यूटी सौंपी गई है वह अपने काम को तो उसे करना पड़ता है, पर उसे ये सुंदरी का जो ये निर्णय के कामोत्सव मनाए जाने का जो निर्णय अनुकूल नहीं नजर आता, सही नजर नहीं आता कि महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा दीक्षा ग्रहण करेगी, पूरा नगर उस दीक्षांत समारोह को देखने के लिए उत्सुक है और इसके विपरीत जो कामोत्सव का एक भौतिक सुख सुविधा का भौतिकता से युक्त कोई उत्सव है कामोत्सव वो मनाया जा रहा है तो ये अच्छा नहीं लगता उसको, किसको? श्यामांग को।
तो वो अंतर्द्वंद ग्रसित हमें विसंग में दिखाई देता है। नंद की पत्नी है सुंदरी, जो बहुत ही जो है हटी है, अभिमानी है, घमंडी है, और उसने फैसला किया है कि आज का महोत्सव का आयोजन किया जाएगा नगर में। तो उसका चरित्र हम इस नाटक में देखते हैं कि किस प्रकार की वह एक जिद्दी और अभिमानी महिला है। एक दासी है पात्र अलका, जो इसकी सुंदरी की खास दासी है। एक पात्र है गृह अधिकारी शशांक, जिसके पास सारी जिम्मेदारी महत्वपूर्ण उसके पास है। और नंद जो है महात्मा बुद्ध का ही जो सोतेला भाई है। और नंद का एक मित्र है मैत्रेय, जो केवल एक अकेला इस कामोत्सव के आयोजन में आता है और अन्य कोई भी व्यक्ति उस आयोजन में नहीं आता है, और वह भी खुश नहीं है, वह भी चला जाता है। अन्य एक दासी है नियारिका, इसके अलावा बुद्ध का एक शिष्य है आनंद। ये इस प्रथम अंक के प्रमुख पात्र है। इस प्रथम अंक में क्रिया व्यापार का अच्छा संचरण हुआ है। व्यापार एवं भाव की अनुमति का पूरी तरह से निर्वाह हुआ है। प्रथम अंक के शुरू में ही हमें सुंदरी का, जो नंद की पत्नी है, उसका परिचय मिल जाता है कि वह किस प्रकार से एक हठी और अभिमानी महिला है। नाटक के कथानक से उस द्वंद का पूर्वाभास भी हो जाता है, जिस अंतर्द्वंद को बेचारा नंद झेलेगा। गौण पात्रों में और प्रसंगों का भी उद्घाटन इस अंक में प्रस्तुत, गौण पात्रों का भी प्रस्तुत किया गया है, जैसे श्यामांग का किसी कार्य में मन नहीं लगना। इसी प्रकार रात्रि में कमल ताल में बैठे हुए हंसों के जोड़ों पर श्यामांग के द्वारा कंकड़ फेंका जाना, ये उसकी विक्षिप्त मानसिक अवस्था का परिचय देते हैं कि उसका मन जो है कि इस कामोत्सव की साज सज्जा तैयारी में नहीं लग रहा है। कि हर जो कोई भी व्यक्ति है, सबको ये अनुचित लगता है कि यशोधरा का जो दीक्षांत समारोह होने वाला है, जो भिक्षुणी बनेगी, दीक्षा ग्रहण करेगी, और ऐसे समय में ये हर्ष उल्लास का कामोत्सव का पर्व नहीं रखा जाना चाहिए। कामोत्सव का आयोजन इस संदर्भ में विशेष नाटकीय अर्थ एवं तीव्रता ग्रहण कर लेता है कि अगले ही दिन रानी यशोधरा महात्मा बुद्ध की दीक्षा ग्रहण करेगी और वह भिक्षुणी बन जाएगी। यह उत्सव नगर में होने वाला है। तो कामोत्सव के आयोजन की तैयारी और साज सज्जा में लगा हुआ जो ये कर्मचारी है, पात्र है श्यामांग, वह कहता है कि कल प्रातः देवी यशोधरा भिक्षुणी के रूप में दीक्षा ग्रहण करेगी और यहाँ रात भर इस कामोत्सव में नृत्य होगा और अपानक चलेगा कि मदिरा पान इत्यादि की गोष्ठियां रात भर चलेगी, नृत्य होगा इत्यादि। और सुंदरी अलका से बातें करती हुई कहती है कि नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है, तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। तो इस कथन से हमें सुंदरी का चरित्र का हमें उद्घाटन होता है, परिचय मिलता है कि वह जो यशोधरा के प्रति, महात्मा बुद्ध के प्रति कैसे विचार रखती है, कि यशोधरा की सौंदर्य और प्रेम के पास में अपने पति महात्मा बुद्ध को न बांध पाने के कारण कि महात्मा बुद्ध जो है विरक्त और त्यागी पुरुष बने, अगर उसमें आकर्षण होता स्त्री जनोचित, तो वह अपने पति महात्मा बुद्ध को भिक्षुक
बनने से रोक सकती थी, ये आरोप ये सुंदरी लगाती है। तो यहाँ सुंदरी का चरित्र जाहिर हो जाता है। कमल ताल में राजहंसों का कलरव तथा शामांग द्वारा महात्मा बुद्ध की छाया की कल्पना इस प्रसंग को और अधिक नाटकीय व्यंजना प्रदत्त कर देते हैं। इस प्रकार प्रथम अंक में नाटककार ने अत्यंत कुशलता के साथ नाटकीय कथा तथा सभी प्रमुख एवं गौण पात्रों को प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।